ये दिल्ली के राजनिवास के बाहर की तस्वीर है। पुलिस वालों का भारी जमावड़ा, साथ में सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान भी मौजूद हैं। लेकिन राजनिवास के भीतर वेटिंग रूम में चल रहा है दिल्ली सरकार का धरना। सोमवार शाम करीब 5:30 बजे से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और गोपाल राय 3 मांगों को लेकर धरने पर हैं। ये मांगे हैं, एलजी खुद आईएएस अधिकारियों की गैरकानूनी हड़ताल तुरंत खत्म कराएं, काम रोकने वाले आईएएस अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लें, राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की योजना को मंजूर करें। इन मांगों को लेकर खुद केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने लिए नहीं बैठे, आप लोगों के लिए बैठे हैं, दिल्ली के लोगों के लिए बैठे हैं। दिल्ली के लोगों के स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, मोहल्ला क्लिनिक, सड़क, पानी, बिजली, इसके लिए बैठे हैं ताकि दिल्ली की जनता को सुविधाएं मिल सके। इसके बाद आप नेताओं ने सीएम आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर फिर से संगीन इल्जामों की बारिश कर दी। ये हमारा सीधा आरोप है कि ये सब कुछ जो दिल्ली में घटित हो रहा है, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। एलजी एक मोहरा हो सकते हैं, एलजी एक कठपुतली हो सकते हैं, लेकिन मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके इशारे पर दिल्ली के सारे कामों को ठप कर दिया गया है पिछले 4 महीने से। इन हमलों के बाद एलजी ने बयान जारी कर पलटवार किया। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा कि हड़ताली आईएएस अधिकारियों के साथ मतभेद सुलझाने की सरकार ने कोई कोशिश नहीं की। लेकिन एलजी के इस बयान के बाद दिल्ली सरकार ने फिर हमला बोला और एक लंबी सूची जारी कर दी कि किस किस दिन मामले को सुलझाने के लिए क्या प्रयास हुए और नौकरशाहों के अड़ियल रुख की वजह से मतभेद नहीं सुलझ पाया। अरविंद, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक, सांसद और कार्यकर्ता सीएम निवास पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सीएम हाउस से राजनिवास तक पैदल मार्च करने वाली है। साफ है, दिल्ली में सियासत फिर गर्मा रही है। रवीश पाल सिंह और पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।